नमस्कार, मैं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गया में 19 नवंबर को रोजगार शिविर, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास, चयनित अभ्यर्थियों को 11,000 से 15,000 रुपए तक वेतन। दिवाली छठ खत्म, अब कटेगी बिजली। 5 लाख उपभोक्ताओं का बैलेंस माइनस में, 10 लाख उपभोक्ताओं का अप्रैल से बिल बकाया। बिहार में शिक्षक तबादला आवेदन प्रक्रिया शुरू, अभी तक 1,20,000 शिक्षकों ने किया आवेदन, 22 नवंबर आवेदन की अंतिम तारीख। बिहार में धान खरीद प्रक्रिया धीमी, पैक्स चुनावों से प्रभावित धान की खरीदी, 15 फरवरी तक पूरी करनी है धान की खरीद। भारत के ऑस्ट्रेलिया में हैट्रिक जीत की उम्मीदें, टीम इंडिया को पहले टेस्ट मैच की चिंता, रोहित और गिल पहले टेस्ट से बाहर। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। 19 नवंबर को बिहार के गया जिले के केंदुई स्थित अवर प्रादेशिक न्यूज नाले में एक दिवसीय रोजगार शिविर आयोजित किया गया है। यह शिविर चैतन्य इंडिया फाइनेंस क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयोजित किया जाएगा, जिसमें कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव के लिए भर्ती की जाएगी। यह अवसर गया, औरंगाबाद और अरवल जिलों के युवाओं के लिए है। अभ्यर्थियों की उम्र 18 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए और न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए। चयनित अभ्यर्थियों को 11,000 से 15,000 रुपये तक वेतन, PF, ESIC और अन्य लाभ दिए जाएंगे। NCS पोर्टल पर निबंधन अनिवार्य है। बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों में बच्चों के स्वास्थ्य सुधार के लिए मध्याह्न भोजन योजना में गर्म दूध देने की योजना बनाई थी, लेकिन इसे अभी तक लागू नहीं किया जा सका है। योजना के तहत 44 प्रखंडों के प्राथमिक स्कूलों में सप्ताह में एक दिन दूध देने का निर्णय लिया गया था, जिसमें कहा गया था कि कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को 100 ग्राम तथा 6 से 8 कक्षा के बच्चों को 150 ग्राम गर्म दूध मिलेगा, लेकिन इसकी शुरुआत जुलाई 2024 से अक्टूबर नवम्बर तक बढ़ा दी गई थी, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। राज्य के 68,000 स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना चल रही है, जिसमें 10,000 स्कूलों में स्वयंसेवी संस्थाएं भोजन मुहैया कराई। सोनपुर मेले में 5 दिन बाद भी थिएटरों का उद्घाटन न होने से हजारों कलाकारों और व्यापारियों का रोजगार संकट में पड़ गया है। थिएटरों को लाइसेंस न मिलने से मेले की रौनक फीकी पड़ गई है और करोड़ों रुपए निवेश करने वाले संचालकों को भारी नुकसान हो रहा है। विभिन्न राज्यों से आए करीब 1,000 कलाकारों का भविष्य अनिश्चित हो गया है। प्रशासनिक देरी और समन्वय की कमी के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई है। SDO ने आश्वासन दिया कि जांच पूरी होने के बाद जल्द लाइसेंस जारी कर दिए जाएंगे, लेकिन इसके चलते मेले की छवि प्रभावित हो रही है। बिहार में स्मार्ट मीटर वाले बकायेदारों की बिजली कटने की प्रक्रिया आज यानी सोमवार से शुरू हो जाएगी। जिन उपभोक्ताओं का बैलेंस माइनस में है, उन्हें तुरंत रिचार्ज करने की सलाह दी गई है। बिजली कंपनी रोजाना 20,000 स्मार्ट मीटर वाले बकायेदारों की बिजली काटेगी। साउथ और नॉर्थ बिहार में करीब 5 लाख स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं का बैलेंस माइनस में पड़ा हुआ है। 28 अक्टूबर को ऐप सर्वर के खराब होने से साथ ही त्योहारों को देखते हुए बिजली कटौती नहीं हो पाई थी, लेकिन अब सभी बैलेंस अपडेट हो चुके हैं। साउथ बिहार में 1 दिसंबर से बकायेदारों के खिलाफ बिजली कटौती अभियान शुरू होगा, क्योंकि 10 लाख उपभोक्ताओं ने अप्रैल से बिल नहीं जमा किया है। बिहार में अब तक करीब 1,20,000 शिक्षकों ने तबादले के लिए आवेदन किया है, जिनकी प्रक्रिया 7 नवंबर से शुरू हुई थी और 22 नवंबर तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। शिक्षकों को 10 स्थानांतरण विकल्प देने के निर्देश दिए गए थे, जिसमें 3 अनिवार्य थे। जिन शिक्षकों ने विकल्प नहीं दिए, विभाग ने अपने आदेश में यह भी साफ किया है कि विकल्प नहीं देने पर संबंधित शिक्षक के वर्तमान पदस्थापन को गृह जिला मानकर उन्हें राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकेगा। वहीं शिक्षकों के ऑनलाइन आवेदन में सुधार का भी मौका इस शिक्षा कोष पोर्टल पर दिया गया है। करीब 5.5 लाख शिक्षकों में से 3 लाख नियोजित शिक्षक आवेदन कर सकते हैं, जबकि बिहार लोक सेवा आयोग और पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों के लिए स्थानांतरण अनिवार्य नहीं है। बिहार में धान खरीद की रफ्तार पैक्स चुनाव के कारण धीमी पड़ गई है। 1 नवंबर से शुरू हुई धान खरीद प्रक्रिया में अब तक केवल 15,000 मीट्रिक टन धान खरीदी गई है। दक्षिण बिहार के जिलों में नमी और कटनी की धीमी गति के कारण यह हुआ है, जिससे किसानों का रुख पैक्सों और व्यापार मंडलों की ओर नहीं हो रहा है। चुनाव प्रक्रिया के चलते पैक्सों में सक्रियता कम है और यह केवल 3 दिसंबर के बाद तेज होगी। इस बार
45 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य है जो 15 फरवरी तक पूरी करनी है। बिहार पुलिस के श्वान दस्ता को और सक्षम बनाने के लिए 18 नए कुत्तों को प्रशिक्षित किया जा रहा है जो दिसंबर में ट्रेनिंग पूरी करेंगे। वर्तमान में दस्ता में 57 कुत्ते हैं जिनमें 17 शराब पकड़ने और बाकी अपराधियों को ट्रैक करने के लिए प्रशिक्षित हैं। अगले साल 30 नए कुत्तों को खरीदने का प्रस्ताव है जिसमें श्वान दस्ता की संख्या 105 तक बढ़ जाएगी। इन कुत्तों की खरीद और प्रशिक्षण से पुलिस की जांच कार्यवाही में और दक्षता आएगी। श्वान दस्ता सीआईटी के अधीन काम करता है और इसी के बेड़े में हर कुत्ता करीब 40,000 रुपए का होता है। बिहार में TRE-3 के बाद TRE-2 परीक्षा के पेपर लीक मामले का खुलासा आर्थिक अपराध इकाई ने किया है जिसमें बताया गया है कि TRE-2 का पेपर 5,000 रुपये में पिकअप वैन से लीक हुआ था। TRE-3 मामले में जेनिथ लॉजिस्टिक के मुंशी राहुल और रामनिवास चौधरी की संलिप्तता पाई गई है जिन्होंने प्रश्न पत्र ट्रांसपोर्टेशन के दौरान लीक किया है। इसी के माध्यम से पता चला है कि दोनों मामलों में पेपर सेंटर पर पहुंचने से पहले लीक हुए थे। TRE-3 में आरोपी संजीव मुखिया और उसके बेटे डॉक्टर शिव जो जेल में बंद है जिसने सबूत मिटवाने के लिए फ़ोन भी किया। अब तक इस मामले में 266 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और 3 कोचिंग संचालकों की तलाश जारी है जिन्होंने पेपर सॉल्व किया था। बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए 7 नवंबर से आवेदन शुरू है लेकिन उन्हें पंचायत और प्रखंडों की जानकारी नहीं है। अधिकांश शिक्षक जो दूसरे राज्यों से हैं बिहार की भौगोलिक स्थिति से अपरिचित हैं। इसके कारण वे पंचायतों और स्कूलों के बारे में सही जानकारी नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। शिक्षा विभाग ने स्थानांतरण के लिए 10 विकल्प देने को कहा है जबकि शिक्षकों का कहना है कि एक बार पोस्टिंग के बाद 5 वर्ष तक ट्रांसफर नहीं होगा। ऐसे में सोच समझ कर ही प्रखंड अनुमंडल और पंचायत का चयन किया जाए। वहीं उनकी शिकायत है कि ट्रांसफर के बाद यदि किसी ऐसे स्कूल में पोस्टिंग हो जाती है जहां पर आवाजाही की समस्या है तो काम करने में परेशानी होगी। बिहार में 3.85 लाख यानी 3,85,000 शिक्षकों का ट्रांसफर होना है जिनमें कई महिला शिक्षक और दूसरे राज्यों के लोग भी शामिल हैं। जबकि शिक्षा मंत्री ने कहा कि ट्रांसफर के लिए विकल्प देने में विभाग सहयोग करेगा। रेलवे इंजीनियर विवेक रंजन सिन्हा को रविवार को आरा बक्सर फोरलाइन पर दलसागर टॉल प्लाजा के पास गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 8 सोने के बिस्किट जो कि करीब 60 लाख रुपए मूल्य के हैं और अन्य आभूषण बरामद हुए। पूछताछ में वह सोने के कागजात नहीं दिखा पाए जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। विवेक पटना के रेलवे कार्यालय में तैनात हैं और मगध विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति अरुण कुमार सिन्हा के बेटे हैं। मामले की जाँच CBI और कस्टम विभाग द्वारा की जा रही है जिसमें सोने की तस्करी या वैधता का पता लगाया जा रहा है। पटना के गांधी मैदान में रविवार 17 नवंबर को पुष्पा 2 के ट्रेलर लॉन्च पर दर्शकों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। फिल्म के कलाकारों को देखने के लिए भीड़ इतनी बेकाबू हो गई कि बैरिकेडिंग तोड़कर लोग मोबाइल टावरों और लाइट पोल्स पर चढ़ गए। साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना के लिए यह नज़ारा देख पुलिस को भी कंट्रोल करने में परेशानी हुई। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने इसे फिल्म क्रांति के रूप में देखा और कहा कि बिहार में फिल्म उद्योग और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। पुष्पा 2 6 दिसंबर 2024 को रिलीज होगी। 21 अक्टूबर से वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में नया पर्यटन सत्र की शुरुआत हो चुकी है जहां वन विभाग ने पर्यटन सुविधाओं का विस्तार किया है। यहां के प्रमुख आकर्षणों में बंबू हट, ट्री हट, गेस्ट हाउस और जंगल सफारी शामिल है। बंबू हट पर्यटकों के बीच खासा लोकप्रिय है क्योंकि यह इको फ्रेंडली और आरामदायक होता है। विदेशी पर्यटक भी यहां की प्राकृतिक सुंदरता और सफारी का आनंद लेते हैं। टाइगर रिजर्व में पर्यटकों के लिए बेहतर साइटिंग और रहने की सुविधाएं दी गई हैं जिससे यह स्थल पर्यटकों के बीच एक पसंदीदा गंतव्य बन गया है। यही नहीं, एक विदेशी पर्यटक ने बताया कि भारत भ्रमण के दौरान मुंबई, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, भुवनेश्वर, कर्नाटक जैसे कई जगहों पर ठहरा लेकिन वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का बंबू हट काफी यूनिक लगा। यह इको फ्रेंडली होने के साथ साथ काफी खूबसूरत और आरामदायक है। उन्होंने VTR की तारीफ करते हुए कहा कि यह एक ऐसी जगह है जहां बार बार घूमने आने का दिल करता है।
एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी का प्रतिनिधिमंडल इस समय बिहार में 5 सड़क परियोजनाओं का निरीक्षण कर रहा है, जिनका निर्माण एडीबी की मदद से 2900 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। इन परियोजनाओं में कुल 225 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण होगा, जिनमें प्रमुख रूप से NH-82 और अन्य महत्वपूर्ण मार्ग शामिल है। राज्य सरकार ने इन परियोजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है और इन पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी। इन 5 सड़कों में बनगंगा NH-82 जेठियन गहलोर बिंदुस असरगंज शंभुगंज इंग्लिश मोड़ पुनसिया धौरैया छपड़ा मांझी दरौली गुठनी आरा एकौना खैरा सहार रोड और हथौड़ी अतरार बनगंगा और आई पथ पर उच्च स्तरीय पुल और पहुंच पथ का निर्माण होगा। सीतामढ़ी में 30 नवंबर को सीताराम विवाह महोत्सव के तहत अयोध्या से श्रीराम की बारात यात्रा पुनौरा धाम जानकी मंदिर पहुंचेगी। इस कार्यक्रम की तैयारी के लिए मंदिर न्यास समिति की बैठक आयोजित की गई है। बारात का भव्य स्वागत किया जाएगा और यात्रा में शामिल साधु संतों और अन्य बारातियों के ठहरने, भोजन और विदाई की व्यवस्था की गई है। बारातियों को रात को मंदिर परिसर स्थित यात्री निवास में ठहराया जाएगा और 1 दिसंबर को उन्हें जलपान कराकर विदाई दी जाएगी। इस दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें भजन संकीर्तन और भक्तिमय गायन होगा। समिति के विभिन्न सदस्य इस आयोजन में शामिल होंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत 22 नवंबर को पर्थ में हो रही है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी दुनिया की 2 बेहतरीन टीमों के बीच है और पहले टेस्ट मैच में ऑप्टस स्टेडियम में रिकॉर्ड 85,000 दर्शकों के आने की उम्मीद है, जो अब तक के स्टेडियम का सबसे बड़ा आंकड़ा होगा। भारत ने पिछले 2 दौरों पर ऑस्ट्रेलिया को हराया है और इस बार टीम हैट्रिक की कोशिश करेगा। हालांकि टीम इंडिया को पहले टेस्ट मैच में चिंता है, क्योंकि कप्तान रोहित शर्मा अपने न्यू बॉर्न बेबी के साथ रहने के लिए इस दौरे से बाहर हैं और शुभमन गिल भी चोटिल हो गए हैं। बीते दिन पूछे गए हमारे द्वारा सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है कुश कुमार यादव, नरेंद्र कुमार, कौशलेंद्र कुमार, राम बाबू दास, मोना प्रसाद, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन राम, बिपिन शर्मा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि परीक्षा के पेपर लीक मामले में संलिप्त अपराधियों को कौन सी सजा मिलनी चाहिए, आपका क्या विचार है? अपना विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।